हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कांजी वड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में हेल्दी भी होते हैं और इसे होली के एक दिन पहले बनाया जाता है, या फिर दिवाली में भी बना सकते हैं, या फिर किसी भी त्यौहार में इसे बना के और इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो कांजी वड़ा है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, साथ में बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल ली है और 1/4 कप उड़द की दाल ली है और 3/4 कप मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो आधा मूंग और आधा उड़द की दाल भी ले सकते हैं। देखिए, ये 1 कप हो चुके हैं और 1/4 कप उड़द डालने से ऐसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी धूल डस्ट है वो निकल जाए। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से मैंने धो लिया 2 से 3 पानी। और ये देख सकते हैं, इसको भिगा के हम छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और देखिए, 3 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये मूँग और उड़द है वो अच्छे से फूल गए हैं। देख सकते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। पूरा ओवरनाइट आप ना भिगोए, नहीं तो इसमें एक स्मेल सी आ जाती है। तो ये क्या करेंगे कि किसी स्ट्रेनर में छान लेंगे। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, इसको हम बिना पानी से ही पीसेंगे। तो देख सकते हैं, स्ट्रेनर में छान ली हूँ और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इसे एक जार में डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में 1 हरी या लाल मिर्च। अब इसे हम पीस लेंगे और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 2 से 3 मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, बिना पानी के ही पीसना है। ये देख सकते हैं, मैंने सारे पीस के तैयार कर लिए। इसमें डाल दिया मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में ऐड कर दिया मैंने 1 तड़का, जिससे कि इसका टेस्ट 2 से 4 गुना बढ़ जाएगा। 1 सूखी लाल मिर्च डाल दिया है और थोड़ा सा हींग डाला, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हींग ज़रूर से आप डालें और इस तड़के को डाल देंगे अपने मिक्सचर में। और यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स जो आते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो चिली फ्लेक्स ऐड करें। मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि प्रत्यांश भी ये खाते हैं तो उनको पसंद है, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उनको तीखा लगता है। इसको लगातार फेंटते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो धनिया पत्ती बारीक कट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे फेंटने से जो आपके बड़े बनेंगे एकदम फ्लफी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से फेंट लिया है, कलर भी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसे ना हम, जैसे आप चाहें तो इसे गोल गोल भी बना सकते हैं, और जो बड़े होते हैं कांजी बड़े वो चपटे आकार में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चाय छन्नी ली है, जिसे स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं। उस पर हम ऐसे लगा देंगे पानी में, पहले चाय छन्नी को ऐसे डिप कर लेंगे जो जाली वाला हिस्सा है, उसके बाद हाथ में पानी ला के इस पर थोड़ा सा मिक्सर ऐसे रख देंगे और ऐसे गिराएंगे तो आराम से कढ़ाई में ऐसे गिर जाते हैं। मैं आपको चल के दिखाती भी हूँ कि कैसे आपको डालना है। तो ऐसे आराम से आप स्ट्रेनर पे रख लें, उसके बाद से लेके और कढ़ाई में आराम से इसको डाल दें। तो ये देखिए, कढ़ाई में आराम से ये गिर जाते हैं। ये देखिए, ऐसे हम अपने सारे बड़ों को डालते जाएंगे। बहुत आसान है इसे बनाना, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। आप ऐसे ही, मैं तो आपसे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही बनाएं। और ये देखिए, जब अच्छे से सीख जाए ना तो थोड़ा सा साइड करके और भी बड़े हम यहाँ पे डाल देंगे। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही अपने सारे बड़ों को बना के और रेडी कर लेंगे और गोल्डन कलर आने तक इन सारे बड़ों को सेक लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने दही भल्ले की रेसिपी मूंग की दाल से बनाई है, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अभी आप जरूर चेक करें। ये देखिए, जो हमारे बड़े हैं अच्छे से सीख चुके हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको इसे लो टू मीडियम गैस पर ही सेकना है, पूरा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। और देखिए, यहाँ पे जो बड़े हैं हमारे बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं, तो निकाल के और तुरंत ही इसे हमें पानी में डिप कर देना है ताकि जो बड़े हैं वो अच्छे सॉफ्ट रहें। तो निकालते जाना है और पानी में डालते जाना है। ये देखिए, तो सारे हमारे बड़े जो हैं निकल गए हैं, मैंने पानी में इनको डिप कर दिया है। और 5 मिनट बाद हम आपको दिखाएँगे, तब तक हम कांजी का पानी बना लेते हैं, मतलब बड़ों के लिए पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीली वाली सरसों ली है 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हींग ली है और 1 चम्मच राई ली है। इन तीनों चीज़ों को हम कूट लेंगे। अगर आपसे नहीं कूटता है तो आप क्या करें कि जार में डालें और चला लें, उससे भी आराम से पीस जाता है दर दरा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे ये मिक्सचर हैं वो रेडी हो चुके हैं कूट के। और क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने पानी लिया है, सिंपल पानी है। बड़ों को क्या करेंगे कि इसमें डालते जाएंगे, आप पहले मसाले इसमें डाल ले, जो भी मसाले पानी में डालने हो। मैंने यहाँ पे एक गलती करी, पहले ही मैंने बड़ों को डाल दिया है, देख सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे पानी को निकाल देंगे और बड़ों को डालते जाएंगे। और देख सकते हैं कितने सॉफ्ट ये बड़े हमारे बन के रेडी हुए हैं, ये देखिए। इसे हम साइड में करेंगे और इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच लें और जीरा डालें। और उसी चम्मच से हम एक चम्मच डालेंगे वो सरसों वाला मिक्सचर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स, आप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो चिली फ्लेक्स ऐड करें, होता है ना थोड़ा सा फीका लगता है उसके बिना। तो इसमें एक फाइनल टच देना बाकी है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक सिनेमन यानी कि दालचीनी का टुकड़ा। अगर आपके पास कोयला है ना उससे ही आप ले, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब इसी में डाल के एक स्मोकी सा फ्लेवर देंगे अपने कांजी वड़े को। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दें, उसमें हींग डाल दें, उससे इसकी टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोयला सॉरी दालचीनी का जो टुकड़ा था वो मतलब बुझ गया था, तो अच्छे से नहीं हो पाया। तो मैंने फिर से जला के और इसमें हींग को डाला है। क्या करेंगे कि इसको ढक देंगे, जो इसका स्मोक जो धुआं निकलेगा सारा इसमें आ जाएगा। तो 10 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे ढक के, 10 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब इसे ढक के 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 24 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे 24 घंटे हो चुके हैं, जो हमारे कांजी बड़ा है बनके रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं, एकदम खट्टा खट्टा जैसा पानी लगता है। तो आप इसे 4 से 5 दिन फ्रिज में रख के इंजॉय कर सकते हैं। और ये कांजी बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और होली में स्पेशली ये ज़रूर बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा। अब इसे हम सर्व करके भी आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कुल्हड़ लिया है, देख सकते हैं, इसमें हम सर्व करेंगे। स्पेशली ये कुल्हड़ में मतलब मिट्टी के बर्तन में ही ये कांजी बड़े बनते हैं, बट मैंने इसे फाइबर के बर्तन बनाया। आप कांच के बर्तन में भी बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, चाट मसाला, और ये हमारे कांजे बड़े रेडी हैं।